बहुत सारे न्यू लोग हैं, बहुत सारे न्यू गेस्ट हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं, जो नए नए प्लान देख रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल आज फ्री होकर, ओपन माइंडेड होकर इस प्लान को देखिए और आगे के सेशन को अटेंड करें बिल्कुल फ्री माइंड होकर और पेन पेपर लेकर। क्योंकि जो पॉइंट ना समझ आए उन्हें आप जरूर लिखें, और जो समझ आए आपको उसे भी जरूर लिखें। जो नहीं समझ आएगा उसको हम इस सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर लेते समय आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज ऐसा समय है कि जब हम एक इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जब हम नाम लेते हैं तो अभी भी बहुत सारे मिथ हैं लोगों के माइंड में, है ना। बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं, अरे घर घर बेचने वाला सिस्टम है, या फिर ये क्या सिस्टम है, या पार्ट टाइम इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी आज। और मैं यही बताना चाहूंगी कि बहुत हम एक इनकम पे डिपेंडेंट होके आज की टाइम में नहीं रह सकते। आज की फैमिलीज में भी हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे होते हैं, या फिर चार मेंबर हैं घर के और चारों अडल्ट तो चारों ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना। जो अर्न कर रहे हैं वो हम सब क्या कर रहे हैं, स्पेंड भी करते जा रहे हैं। और आज बहुत ही कम ऐसी लेडीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम ऐसी लेडीज होंगी जो एज अ हाउस वाइफ अपनी लाइफ को बिता रही होंगी। हर कोई पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ कर रहा है, और जब से ये पेंडेमिक आया है तब से तो इनकम सोर्स कितना, मतलब हमारा मतलब इनसिक्योर है, वो हम सबको पता है कि हम अगर एक इनकम पे डिपेंडेंट है तो हम कितने इनसिक्योर लाइफ जी रहे हैं, हम सबको पता चल चुका है इस पेंडेमिक में। तो इसी पार्ट टाइम इनकम सोर्स में हम आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की, या एमएलएम कुछ भी बोल सकते हैं आप। जबकि ये जो हमारा एटॉमी का प्लान है वो यूएलएम है, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग, जिसकी की कुछ खास बातें हैं। अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो क्यों हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से या फिर एमएलएम से जुड़े, तो सबसे पहला तो जो पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है वो है ये पार्ट टाइम में करना होता है आपको। जो भी आपका फ्री टाइम है, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम हम उसको बोलते हैं कि तब कर सकते हैं, जो भी आपका ऐसा टाइम है कि जिसको आप फन में बिताते हैं, घर में रह के टीवी देखना या फिर फ्रेंड्स के साथ, उसको आप यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है तो बहुत कोई रिस्क नहीं रहता है। और फोर्थ बात कि ये प्रूवन सिस्टम होता है, आप किसी भी मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेंगे वहां पर एक प्रूवन सिस्टम होगा, जिस सिस्टम को फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि सोचा समझा, है ना, प्रूवन सिस्टम। और अगर आप उस प्रूवन सिस्टम के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके सक्सेस के चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो एटॉमी भी एक, जैसे मैंने बताया कि यूएलएम है, तो किस तरीके से वो हमारे लिए काम करती है, क्या उसका प्रोफाइल है, क्या चीजें हैं जो उसको खास बनाती हैं, पैसा कैसे आता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, रेनू जी, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका वेलकम है एटॉमी ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और जैसे कभी भी जब हम किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, तो सबसे पहले हम उसके प्रोफाइल को चेक करते हैं। आप देख रहे होंगे ना, हर जगह आजकल प्रोफाइल देखी जाती है ना, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो, व्हाट्सएप पे भी हम क्या चेक करते हैं, या फेसबुक पे भी हम क्या चेक करते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे जाके भी हम क्या चेक करते हैं, हम प्रोफाइल चेक करते हैं, है ना। प्रोफाइल पिक का जमाना है आजकल, तो हम सबसे पहले जानेंगे कंपनी का प्रोफाइल कैसा है जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि एटॉमी एक साउथ कोरियन कंपनी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर हब है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। इनके जो मेन जो ब्रांड है वो कॉस्मेटिक में ये डील करते हैं, है ना, पर्सनल केयर में, डे टू डे डे टू डे यूज की जितनी भी चीजें होती हैं ये उसमें डील करते हैं। और खास बात यह है कि जो भी इन यूज करते हैं अपने उन प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट, वो 100% नेचुरल होते हैं।
और 2006 में ये कंपनी साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई थी, 2009 में ये ग्लोबली लॉन्च हुई थी। और अगर मैं अभी बात करूं इसकी, तो इंडिया में भी ये 11 नवंबर को लॉन्च हो चुकी है और बहुत अच्छा बिजनेस निकल कर आ रहा है सामने, है ना। और किसी भी बड़ी कंपनी की बात, बड़ी कंट्री की बात करें, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बहुत सारी कंपनी कंट्रीज में ये कंपनी अभी बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही है और बहुत सारी कंट्रीज में ये प्री लॉन्च में स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं कि इस कंपनी के रचयिता कौन है, इसके इस कंपनी के जन्मदाता कौन है। वो है मिस्टर हैनगिल पार्क, जो कि हमारी कंपनी के सीईओ है। ये ग्रेजुएट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से। इनके पास मास्टर डिग्री है इंटरनेशनल ट्रेड में और इनको 20 साल का रिच एक्सपीरियंस है एमएलएम का। और 1999 में इनको टॉप अवार्ड मिला नेटवर्क मार्केटिंग में और 2006 में इन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम है एटॉमी, जिसका प्लान आज आप देखने वाले हैं। एटॉमी दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है, दो साउथ गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरियन कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें से कि एक का नाम है कैरी और एक का नाम है कोलमा। कैरी क्या है? कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके बारे में मैं बता दूं, नासा के बाद ये सेकंड रैंक पर आता है। जैसे यूएस में नासा हो गया और इंडिया में आपका इसरो हो गया, उसी तरह से ये क्या है, कोरिया का रिसर्च एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सेकंड रैंक आता है इसका नासा के बाद। इनकी स्पेशलाइजेशन है स्पेस फूड बनाने में। इनसे अगर मैं और बात करूं तो रशिया की स्पेशलाइजेशन है स्पेस फूड बनाने में और उसके बाद क्या है, कैरी की स्पेशलाइजेशन है स्पेस फूड बनाने में। और कैरी जो है 1959 में इस्टेब्लिश हुआ, 60 साल हो गए इसको भी लगभग, मोर देन 60+ ईयर्स। 4000+ साइंटिस्ट हैं इनके पास, 1500 PhD स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इन्होंने पेटेंटेड फॉर्मूला, मोर देन 20,000+ पेटेंटेड फॉर्मूला इन्होंने डिस्कवर करे हैं, ठीक है। और अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये करते हैं हमारे लिए। और कोलमा जैसा आप सबको पता है, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है। और ये 1921 में इस्टेब्लिश हुई, इसको भी 100 साल हो गए। BNH ब्यूटी एंड हेल्थ, इसकी जो टेक्नोलॉजी है मेन ODM OEM, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। मतलब कि ये खुद अपने लिए डिजाइन करे हुए, अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन दूसरी कंपनी के लिए उनके कहने पे, उनके बताए अनुसार, उनके डिजाइन, उनके बताए गए डिजाइन और इंग्रेडिएंट के अनुसार भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यही है ODM और OEM टेक्नोलॉजी, जो अपने आप में बहुत खास है। और मोर देन 13 कंट्रीज में इस समय कोलमार है और हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये मेनली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटॉमी के लिए करते हैं, आप बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप लैनकॉम बोलो, आप शिशेडो बोलो, आप जॉनसन एंड जॉनसन बोलो, आप हर मतलब आप जिस भी एक बड़े ब्रांड को जानते हैं उसके लिए ये अपने प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही कंपनी जब एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है और एक कोलमार जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है एटॉमी के लिए, और उससे एटॉमी बनी, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं एटॉमी के अंदर। तो इसका जो कंपनी का हेड ऑफिस है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो गुरुग्राम में है, मैग्नम टावर में। हम लोग दो बार वहाँ विजिट कर चुके हैं, अभी पेंडेमिक की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब भी पेंडेमिक खत्म होगा और वो ओपन होगा तो जरूर जो लोग लोकल हैं वो जरूर वहाँ मैं देख कर आइए। इतना शानदार ऑफिस बना हुआ है और 100 ईयर की लीज पे उन्होंने वो ऑफिस ले रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का विजन कितना बड़ा है इंडिया के लिए। तो एक ग्लोबल कंपनी है एटॉमी, जिसके ये दो पार्ट हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी दो यूनिट इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट का और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट, क्योंकि एटॉमी हमेशा एक कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है, मतलब तो कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे बहुत ध्यान देती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेन जो इनकी थीम है वो है इनके प्रोडक्ट, मेन जो इनकी जान है कंपनी की वो है इनके प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं,
उसी की वजह से कंपनी इतनी जल्दी और इतनी फास्टली ग्रो कर रही है। तो वैसे तो इनके बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन जो मेन कैटेगरीज है मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इनके बहुत ही बढ़िया हैं, जिसमें कि हीमोहीम इनका एक प्रोडक्ट है, जिसमें रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी यूज करके वो प्रोडक्ट 8 साल की रिसर्च से बनाया गया है सैकड़ों साइंटिस्ट के द्वारा, और उसका मेन काम है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वर्ल्ड वाइड जाना जाने वाला प्रोडक्ट है। और उसकी मतलब खासियत है कि वो कोई भी डिसीज हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मेनली वो कैंसर के लिए बनाया गया था, रेडिएशन कंट्रोल के लिए बनाया गया था, रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं वो हर डिजीज, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मतलब हर डिजीज पे वो काम करता है, डिजीज पे भी काम करता है, और अगर हेल्दी पर्सन उसको लेगा तो वो कभी डिजीज उसको लगेगी नहीं, सप्लीमेंट का जो मेन काम है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पाइरुलिना है, इनका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एटॉमिका प्रोबायोटिक्स है जो अभी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 1-2 महीने में। उसके अलावा मैं बात करूँ पोमीग्रेनेट ब्यूटी की, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये लॉन्च होने वाला है। विटामिन सी के शैशे, ये भी हम यूज कर चुके हैं, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रोपोलिस इनका पेस्ट भी दिख रहा है, मल्टीपर्पज पेस्ट है ना, प्रोपोलिस से और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से मिला हुआ है। 21 फायदे हैं इसके, आप जिसके साथ भी आप मीटिंग में आए हैं आप जान सकते हैं उनसे। उसके बाद में अलास्का ओमेगा है इनके पास, और ओमेगा की सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी बना हुआ है और वेजिटेरियन सोर्स से भी बना है, तो जो लोग नहीं चाहते कि वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लें, तो वो इसका जो अलास्का ओमेगा है वो वेजिटेरियन सोर्स से भी ले सकते हैं। मतलब हेल्थ प्रोडक्ट बहुत बड़ी रेंज है, एक इस छोटे से प्लान में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्सनल केयर की, तो पर्सनल केयर में मैंने आपको बता ही दिया, पर्सनल केयर ओरल केयर में आपका ब्रश है, आपके टूथपेस्ट है, उसके अलावा आपके शैम्पू है, बॉडी शैम्पू है, बॉडी लोशन है, और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। जब 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई थी तो वो 39 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई थी, और अभी इतने ही टाइम में हमारे पास मोर देन 50+ प्रोडक्ट हो चुके हैं, और कंपनी का टारगेट है कि वो साल के आखिर तक कम से कम 100+ प्रोडक्ट पे पहुंच जाए। उसके अलावा कॉस्मेटिक बहुत बढ़िया है, इनके कलर कॉस्मेटिक में भी ये है, और होम केयर में अभी हमारे पास जो अवेलेबल है प्रोडक्ट है वो है हमारा डिटर्जेंट, उसके अलावा आपका फ्लोर क्लीनर हो गया, डिश क्लीनर हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो किचन में आपके यूटेंसिल्स आएंगे, और फैशन के प्रोडक्ट आएंगे, शूज हो गए, क्लोथिंग हो गई, ये सब आपको मिलने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और इतना बड़ा शॉपिंग हब है, अगर मैं वैसे शॉपिंग मॉल की बात करूँ एटॉमी शॉपिंग मॉल की, तो उसमें आपको 400+ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और अगर मैं वैसे बात करूँ जैसे कि अभी हम सुनते हैं सबकी एज अ मॉल इसके साथ आएगा, तो वहां पर आपको मोर देन 10,000 प्रोडक्ट, बल्कि और भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, मतलब A to Z मॉल, एज अ मॉल का मतलब A to Z मॉल, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी को खरीदवा सकते हैं, तो बहुत ही शानदार बात है अपने आप में। और प्रोडक्ट के बारे में मैं यही बताना चाहूंगी, जो कंपनी का लोगो भी है ना, वो जैसे प्रोडक्ट के लिए एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि साउथ कोरियन ब्रांड है, टेक्नोलॉजी की मैंने बता दी, कैरी इतना बड़ा नाम इनके साथ जुड़ा है, तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, लेकिन इतनी बढ़िया क्वालिटी होने के बाद भी ये जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो बहुत ही शानदार मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए जो आप प्राइस पे करेंगे ना, और ये हम मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने, आप सबको पता है हम इससे पहले भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ थे, जिसके कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के माने जाते थे, लेकिन अगर हम उनसे भी इनको कंपेयर करते हैं तो प्राइस वाइज बहुत कम इनका प्राइस निकल कर आता है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, और अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे, तो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस ये इनका टैगलाइन है प्रोडक्ट के लिए, और मैस्टीज स्ट्रेटेजी पे ये काम करते हैं, यानी कि मास में प्रोडक्शन करते हैं और प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनाते हैं,
इसलिए जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की वो कहीं ना कहीं कम आती है। जो भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते होंगे। उत्पादन ज्यादा करते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं, तो जो उसका मूल्य है वो कम निकल कर आता है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो जीएसडीएस, एक जरूर आप बताइए किसी को भी, ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सोर्स, यानी कि जिस भी कंट्री में ये अपना बिजनेस लेके जाते हैं वहां का जो भी बेस्ट लोकल प्रोडक्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और उसको वो ग्लोबली लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, उस कंपनी को भी, उस कंट्री को भी फायदा होता है कहीं ना कहीं, और उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ तो कहीं की कॉफी अच्छी है या फिर कहीं के मसाले अच्छे हैं या फिर कहीं का कुछ और प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये उसको क्या करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एक नया रूप दे के ग्लोबली लॉन्च करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, ना सिर्फ हमारी कंट्री को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम चलेंगे प्लान की तरफ। अभी मैंने बताया कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि एटॉमी क्यों करनी है। तो एटॉमी करने के लिए सबसे अच्छी इनकी लाइन, जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, देयर इज नथिंग टू लूज एंड सो मच टू गेन इन एटॉमी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आप फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप अपने दो केवाईसी देके, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड देके, या फिर आधार कार्ड की जगह और कोई अपना आईडी प्रूफ देके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी को ईमेल आईडी के साथ। सेकंड है नो प्रोडक्ट और पैकेज टू ज्वाइन, यानी कि जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको कोई प्रोडक्ट लेने के लिए बाध्यता नहीं है, मतलब कि आपको कोई प्रोडक्ट लेना ही लेना है ज्वाइनिंग के टाइम। आपने ज्वाइनिंग करा, अभी आप फ्री हैं, आपकी जब मर्जी करे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। कोई पैकेज आपको लेके ज्वाइन नहीं करना है एक साथ में। उसके बाद यू डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट एवरी मंथ, हर महीने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना। आपने जैसे कि अगर इस महीने आपने परचेजिंग कर ली है जितना पॉइंट आपको चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ आपको अगर लगता है कि भाई अभी मेरे को नहीं करना तो आप ना कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप रह ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट परचेज करे बिना, क्योंकि और प्रोडक्ट भी ऐसे हैं डेली नीड के, तो वो ऑटोमेटिकली परचेज होंगे। यू डू नॉट नीड टू सेल द प्रोडक्ट, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप एज अ कंज्यूमर ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे मैंने पहले ही बोला इतनी अच्छी है, और हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम लोगों को बताते हैं, या फिर हमारे फेस पे, हमारे बालों पे, हमारी लाइफ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो सामने से बंदा पूछेगा तो हम उसको जरूर बताएंगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो सही लिखा है उन्होंने अपनी तरफ से, सेल करना नहीं है, ऑटोमेटिकली सेल होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख प्लान है, यानी कि बाइनरी प्लान है। मेरे अपने 15-16 साल के नेटवर्किंग बिजनेस में हम अभी तक सुनते आए थे कि बाइनरी प्लान मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं होता या उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एटॉमी का प्लान देखने के बाद हम कह सकते हैं एकदम लीगल एथिकल बाइनरी प्लान है ना, प्रोडक्ट्स के साथ वो कोई है तो वो एटॉमी का प्लान है। तो 2 लाख प्लान है, आपको बहुत सारी लैग ओपन करने की जरूरत नहीं है, और जब 2 लाख प्लान है तो बहुत इजिली बिजनेस बिल्ड होता है। बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड, नो फ्लश आउट, जब तक आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा, चाहे वो आपके पर्सनल पॉइंट हो, वो तो आपके हमेशा के लिए एक्यूमुलेटेड होने ही है, लाइफ टाइम के लिए है। अगर आपने 1 पॉइंट कराए, 1 लाख पॉइंट कराए, 1,000 पॉइंट कराए, 10 लाख पॉइंट कराए, वो एक्यूमुलेटेड है हमेशा आपके लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप जो ग्रुप वॉल्यूम भी करते हो, जब तक आपको उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल जाता, वो पॉइंट्स भी आपके एक्यूमुलेटेड रहते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। वन मेंबरशिप आईडी इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप इंडिया में बैठे हैं लेकिन आपकी कोई फ्रेंड है इंद्राणी दीदी, वो यूएस में बैठी हैं, हमने उनको वहां ज्वाइन कराया, हमारे कोई नेपाल में फ्रेंड है हमने उनको वहां ज्वाइन कराया, हमारे कोई चाइना में फ्रेंड है हमने उनको वहां ज्वाइन कराया, हमारी टीम में परम जी है वो यूके में बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है। तो एक आईडी से आप पूरे जहां जहां एटॉमी है, एग्जिस्ट करता है, वहां वहां आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और वहां से आप इनकम
ले सकते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज में नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू क्वालिफाई द कमीशन फॉर द ईयर यू ओनली हैव टू एक्युमुलेट 10,000 पर्सनल पीवी। आपने एक बार 2,000 से 2,500 का सामान खरीदा तो आप फर्स्ट इनकम के लिए क्वालिफाई रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। और अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10,000 पॉइंट जो कि 2,000 से 2,500 रुपए में होते हैं एक बार कर लिए, तो आप पूरे साल के लिए जो उससे रिलेटेड इनकम है उसके लिए आप क्वालिफाई रहेंगे। अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेजिंग रेजिडुअल इनकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और आप देखते होंगे कि MLM के लिए अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस की भी बात करें या और बिजनेस की भी बात करें या MLM की बात करें, तो आप उसमें देखते होंगे इतने बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आपको मिलेंगे। आपको IAS ऑफिसर भी मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे जो कि हमारी टीम में भी हैं, है ना। आपको बहुत सारे बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे, बहुत ही हाई पोस्ट वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मिल जाएंगे। तो उनका क्या रीजन है, क्योंकि जर्नली अभी भी लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि जो कुछ नहीं करता वो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना, या फिर जिसका कुछ सही नहीं चल रहा होता वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, या फिर वो जो लोग बहुत ही हाईली एजुकेटेड है या अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है वो इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करते हैं, और जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आप इस बिजनेस से रेजिडुअल इनकम बना सकते हैं। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है कि पहले आप काम करते हैं आपको पैसा आता है, आप काम करते हैं आपको पैसा आता है, आप काम करते हैं आपको पैसा आता है, लेकिन एक टाइम में आपका ग्रुप इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप काम ना भी करें तो भी ऑटोमेटिकली आपको इनकम आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद दी, वहां से आपको रेंट आ रहा है, तो आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया आपको रेंट आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे सिंगर ने एक बार गाना गा दिया उसको रॉयल्टी इनकम आ रही है बार बार जब जब वो गाना उसका बिकता है। किसी राइटर ने बुक लिख दी, जब जब वो उसकी बुक छप रही है तब तब वो कॉपीराइट के अनुसार उसको पैसा आ रहा है। किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर दिया, जब जब उसका इन्वेंशन मार्केट में आ रहा है तब तब उसको पैसा आ रहा है। तो ये होती है रेजिडुअल इनकम। तो इन तीन प्रोफेशन के अलावा आप कहीं पे भी रेजिडुअल इनकम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि आप ये चीजें ना करते हुए भी एक रेजिडुअल इनकम अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप देख रहे होंगे कि हर पॉइंट में मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही खास बात है टॉमी जी कि इसके ये जो सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, एक दो पॉइंट आपको किसी कंपनी में मिल जाएंगे, लेकिन और सारे, ये सारे के सारे पॉइंट मिलना आपको मुश्किल है। तो क्यों एटॉमी करना है आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए जो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर है वो CJ डार्सल है, वो भी अपने आप में एक बहुत जाना माना नाम है, और आपको दिखाई दे ही रहा होगा जिस तरीके से वो डिलीवरी कर रहे हैं, जिस तरीके से डिलीवरी आपके घर तक पहुंच रही है, जिस तरीके से सेफ पैकेजिंग होती है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और 27,000 पिन कोड पे एटॉमी का टारगेट है डिलीवरी करने का, और जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वहां के पोस्ट ऑफिस में ये अपनी डिलीवरी करते हैं, या फिर एजुकेशन सेंटर में करते हैं, आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद हम आते हैं मेन चीज पे, जो कि है हमारा मनी का सेक्शन, यानी कि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर, कि पैसा कैसे आएगा। तो वो मैं आपको बता दूं, तीन तरीके से कंपनी पैसा देती है। एक देती है जनरल डेली मैचिंग कमीशन के रूप में, जो कि रोज काम करो और रोज पैसा लो, है ना। एक होता है मास्टरशिप बोनस, जो आपने पूरे महीने काम करा या 15 दिन में काम करा उसके ऊपर आपको एक बार फिर से पैसा देती है। उसके अलावा है सेंटर फी, हमारे ग्रुप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, वो एजुकेशन सेंटर बोलते हैं, अगर किसी ने वो ओपन करा है वहाँ पर आपको एजुकेशन दीजिए, लोगों को बिजनेस के बारे में बताइए, और उस एजुकेशन के थ्रू जो भी टर्नओवर होगा कंपनी का उस पर आपको 6% कमीशन मिलेगा। तो ये एजुकेशन सेंटर फीस हो गई। 70% जो भी ग्लोबली बिजनेस होगा उसका 30% जो है कंपनी शेयर होगा, और 70% कमीशन पे आउट के रूप में कंपनी हमको देती है जो भी ग्लोबली पीवीज होते हैं।
उसका 70% कमीशन पे आउट के रूप में और 30% कंपनी शेयर होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जर्नल डेली मैचिंग कमीशन पे, तो उसमें हमें स्टार्टिंग में 10,000 पीवी करने पर्सनल और 3,00,000 पीवी लेफ्ट और 3,00,000 पीवी राइट। ये आप जिसके भी साथ आए हैं आप इनको रुपीज में भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यू में ही समझाऊंगी। पॉइंट पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। ग्लोबल बिजनेस है, हर देश की करेंसी अलग है, तो हम लोग पॉइंट वैल्यू में बात करते हैं। हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो हम उस करेंसी में बात नहीं करके पॉइंट वैल्यू में बात करते हैं। 10,000 पीवी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपके 2,000 से 2,500 रुपए में हो जाते हैं। तो अगर आपने 2,000 से 2,500 की परचेजिंग पर्सनल कर ली और 2,00,000 प्लान है, तो लेफ्ट ग्रुप में आपका 3,00,000 पीवी लगभग आपका 50,000 की परचेजिंग और राइट ग्रुप में आपकी 50,000 की परचेजिंग। जब जब ये मैचिंग आपकी होगी तो आपको 1,321 रुपए कमीशन बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये मैचिंग हफ्ते में होती है एक बार, हफ्ते में दो बार होती है, हफ्ते में तीन बार होती है, चार बार, पांच बार या फिर डेली। तो उस इस हिसाब से आपको 1,321 रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर 3,00,000 पीवी हमारे पर्सनल होते हैं, यानी कि 50,000 करीब का, 50,000 से 55,000 का सामान हमारे पर्सनल आईडी पे होता है और 3,00,000 पीवी हमारा लेफ्ट और 3,00,000 पीवी हमारा राइट परचेजिंग हो जाता है, जो कि इससे पहले वाले में भी आप देख रहे थे 3,00,000 3,00,000 है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ अपना पर्सनल परचेजिंग को इंक्रीज कर दिया, पर्सनल कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया। तो कंपनी हमें कहती है, यहाँ पर हम एजेंट बोले जाते हैं, और हमारा जो 1,321 आ रहा था उसकी जगह हमें 3,964 रुपया आ जाता है, लगभग 4,000 के करीब। नेक्स्ट जो है हमारा पर्सनल पीवी, हमारा सेल्फ पीवी जो है 7,00,000 पीवी हो जाता है। और अगर हम 7,00,000 ग्रुप पीवी कर लेते हैं लेफ्ट और 7,00,000 ग्रुप पीवी कर लेते हैं राइट, तो यहाँ पर हमारा जो इनकम होता है करीब करीब 8,000 रुपये, 7,929 रुपये यहाँ पर दिखा रहता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 15,00,000 पीवी हमारा पर्सनल है और 15,00,000 पीवी लेफ्ट, 15,00,000 पीवी राइट, तो 15,857 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं पर मैचिंग पे। और अगर 24,00,000 पीवी हमारा पर्सनल हो जाता है, 24,00,000 पीवी राइट, 24,00,000 पीवी लेफ्ट, तो 23,786 रुपये कमाने के हम हकदार हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हम स्पेशल एजेंट बोले जाते हैं और 24,00,000 पीवी के बाद हमें कोई भी पर्सनल पीवी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपनी कहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिंग लग जाती है, बाउंडिंग लग जाती है। कई लीडर्स बोलते हैं कैपिंग लग गई, बाउंडिंग लग गई, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने पर्सनल आईडी पे परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलना। इसलिए अच्छा ये होगा कि जो भी टीम हमारी कम वॉल्यूम कर रही है हम वहां पर जाके परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। उसके बाद वही 24,00,000 पीवी हमें लाइफ टाइम में करने हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर 60,00,000 पीवी हमारा लेफ्ट और 60,00,000 पीवी हमारा राइट में होता है, तो यहाँ पर हमें 39,644 रुपीज कमीशन आता है पर मैचिंग। और अगर 2 करोड़ लेफ्ट और 2 करोड़ पीवी हमारा राइट होता है, तो 66,073 रुपये हमारा कमीशन आता है पर मैचिंग। 5 करोड़ पीवी हमारा लेफ्ट, 5 करोड़ पीवी हमारा राइट, तो 80,000 लगभग हमारी पर डे की इनकम हो जाती है। आप सोचो 80,000 रुपये पर डे की इनकम हो रही है, पर मैचिंग की इनकम हो रही है। 10 मैचिंग भी आ गई तो आपका 8,00,000 रुपया हो गया है ना। तो ये हाईएस्ट हमारा मैचिंग का है, 5 करोड़ 5 करोड़ पीवी। उसके बाद हम जाते हैं मास्टरशिप बोनस पे। और सबसे मजे की बात यह है कि जो मास्टरशिप बोनस मिलता है, ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं लेफ्ट और राइट का, ये हर 15 दिन में एक बार काउंट होता है। और जो वो पर्सनल पीवीज बनते हैं ग्रुप पीवी, उसी पे हमें ये मास्टरशिप बोनस फिर से दिया जाता है। मतलब हमने काम एक बार करा, लेकिन हमें उस काम के ऊपर इनकम 2 बार आई, तो ये बहुत अमेजिंग है। तो 7 मास्टरशिप लेवल है हमारे। सबसे पहला सेल्स मास्टर, सेकंड डायमंड मास्टर, थर्ड शेरन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और एम्बेडविल मास्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स मास्टर की। आपने कल देखा मीटिंग में कि नए नए सेल्स मास्टर हुए, सेल्स मास्टर रिक्वालीफाई भी हुआ लोगों का। तो यहाँ पर हमें 7,00,000 पॉइंट हमारे पर्सनल करने होते हैं और 25,00,000 पॉइंट अगर हमारा लेफ्ट से, 25,00,000 पॉइंट हमारा राइट से हो रहा है, तो हमें
70,000 रुपीज 15 दिन में इनकम आती है। अगर मैं मंथली बात करूँ तो करीब करीब 1,40,000 हमारी इनकम होती है। और यहाँ पर हमें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें कि 2 एटॉमी फेम सेट हमें मिलता है और 1 हमारा इवनिंग केयर सेट रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। जब हम इस मास्टरशिप लेवल को फर्स्ट टाइम अचीव करते हैं तभी हमें ये रिवॉर्ड मिले जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमें सिर्फ ये बोनस ही मिलता है, ये रिवॉर्ड्स फर्स्ट टाइम अचीवर्स के लिए होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायमंड मास्टर की, तो 15 लाख पीवी हमारे पर्सनल होने चाहिए। उसके अलावा 2 सेल्स मास्टर, जो हम सेल्स मास्टर हमने क्वालिफाई करा था लास्ट स्लाइड में जो मैंने दिखाया था, 25 लाख पीवी 25 लाख पीवी, ऐसे ही 2 सेल्स मास्टर हमारी लेफ्ट टीम में होंगे, 2 सेल्स मास्टर हमारी राइट टीम में होंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, डायमंड मास्टर। और हमें यहाँ पर जो इनकम है, अगर मैं मंथली इनकम की बात करूँ तो करीब करीब 2 लाख प्लस की इनकम होती है हमारी। और जो हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं फर्स्ट टाइम इसको अचीव करने में, वो हमें एक लैपटॉप मिलता है, 2 एटॉमी के फेम सेट मिलते हैं, उसके अलावा 1 इवनिंग केयर सेट मिलता है। और बहुत अच्छी इनकम है, 2 लाख इनकम भी। और यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि और कंपनीज की तरह यहाँ वॉल्यूम पे हमें पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर जब हम लोगों को डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि सेल्स मास्टर करवाते हैं, तब हमें पैसा मिलता है। वॉल्यूम आपका कितना भी हो जाए लेफ्ट टीम राइट टीम से, उससे हम डायमंड मास्टर नहीं जाएंगे। जब हम उन लोगों को उस पिन पे क्रिएट करेंगे, उनकी वो पिन क्रिएट करवाएंगे, तभी हम आगे का लेवल ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शैरन रोज मास्टर, उसमें हमारे 24 लाख पीवी, जो कि हमें हमारे अल्टीमेट पीवी है, हमें लाइफ टाइम में करने हैं वो। और 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट में और 2 डायमंड मास्टर राइट में जब हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर करीब हमारी जो इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए की होती है। और जो रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, 1.20 लाख कैश मिलता है हमको, 2 ट्रैवल टिकट मिलते हैं हमें साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर देश हैं, और 3 नाइट्स 4 डेज की हमें यहाँ पर ट्रेवल टिकट्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार मास्टर की, तो यहाँ पर वही 24 लाख पीवी जो हम कर चुके हैं, 2 शैरन रोज मास्टर लेफ्ट में, 2 शैरन रोज मास्टर राइट में। और यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है वो 13 लाख रुपीज होती है पर मंथ की लगभग। और रिवॉर्ड के रूप में हमें, जब हम फर्स्ट टाइम इस लेवल को अचीव करते हैं, तो 6 लाख रुपये हमें कैश दिया जाता है, 4 ट्रैवल टिकट दी जाती है हमें साउथ ईस्ट एशिया की 3 नाइट्स 4 डेज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रॉयल मास्टर की, रॉयल मास्टर पे आके सचमुच में रॉयल वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 स्टार मास्टर लेफ्ट में, 2 स्टार मास्टर राइट में क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर जो हमारी अप्रॉक्स इनकम होती है 26 लाख रुपये पर मंथ होती है। और अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो 30 लाख रुपये हमें रिवॉर्ड मिलता है कैश। सोचिए 30 लाख रुपये, लोग अपना पैकेज बताते हैं ना, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख तो बहुत ही कम लोग होते होंगे जो, मतलब मेरे को नहीं लगता 1% भी लोग होते होंगे जिनका जो ईयरली पैकेज जो होता है वो 30 लाख रुपए होता है। 30 लाख रुपए यहाँ पर आपको एक मुश्त मिलता है कैश रिवॉर्ड। उसके अलावा आपको 60,000 रुपीज पर मंथ कार रेंटल मिलता है। उसके अलावा आपको 4 ट्रैवल टिकट्स मिलती हैं 10 नाइट 11 डेज की। उसके अलावा आपको टीम बिल्डिंग के लिए एक डेबिट कार्ड मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई होती है, आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, आपको कोई ऑफिस मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम इतने बड़े बिजनेस क्रिएट कर देते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी आपको कहती है कि आप मत खर्च कीजिए, हम उसके लिए आपको एक अलग से डेबिट कार्ड देंगे 1.2 लाख रुपीज़ का। उसके बाद हम बात करते हैं क्राउन मास्टर की, 24 लाख पीवी आपके पर्सनल, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट में, 2 रॉयल मास्टर आपके राइट में। यहाँ पर 50 लाख प्लस की इनकम हो जाती है आपकी पर मंथ की। और वन कंपनी कहती है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस लेवल को अचीव करते हो तो हम आपको 1.8 करोड़ रुपीज और देते हैं। सोचिए एक मिडिल क्लास मैन, एक मिडिल क्लास जो पर्सन होते हैं, और वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में इकट्ठा नहीं कर पाते, जहाँ तक मेरा मानना है। और यहाँ पर आपको कंपनी 1.8 करोड़ एकदम हार्ड कैश आपको देने वाली है जब आप इसको लेवल को अचीव करोगे, वो भी स्टेज पे सबके सामने। और उसके अलावा कंपनी कहती है कि आपको एक 40 लाख की कार देंगे हम लोग, है ना, ब्रांड न्यू हुंडई की कार। और आप सोचिए वो कार आपके घर के सामने जब आएगी, खड़ी होगी, तो क्या फीलिंग आने वाली है, कितने लोग हैं जो इतने बड़े बड़े
बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन 40 लाख की कार खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की, 15 लाख की, ज्यादा करेंगे तो 20 लाख की, लेकिन 40 लाख की कार है ना, लाख बोलते ही मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है। और 4 ट्रैवल टिकट आपको मिलेंगे 10 नाइट 11 डेज की। उसके अलावा आपको टीम बिल्डिंग के लिए एक कार्ड मिलेगा फिर से 3 लाख रुपए का, और आप उससे अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है हमारा मोस्ट जिसको कहते हैं ना सबकी चाहत इंपीरियल मास्टर, और 24 लाख पीवी आप कर चुके हैं, पर्सनल पीवी करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट टीम से 2 क्राउन मास्टर, राइट टीम में 2 क्राउन मास्टर, 70 लाख रुपए पर मंथ की आपकी इनकम। उसके अलावा कंपनी कहती है कि 6 करोड़ रुपए आपको और कैश देंगे। और जब हम देखते हैं अभी तक 8 इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं, जिसमें से कि हम सुनते हैं कि बहुत सारे इंपीरियल मास्टर ऐसे होते हैं कि ये जो 6 करोड़ रुपया उनको मिलता है ना वो चैरिटी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते इंपीरियल मास्टर तक आते आते आप सोचिए 70 लाख रुपए आपको प्रबंध आ रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि इंपीरियल मास्टर एकदम से बन जाएंगे। अगर किसी ने 5 साल की जर्नी या 3 साल की जर्नी भी उसमें लगाई है तो आपका बैंक बैलेंस इतने टाइम तक क्या होने वाला है ना। और कई बार लोग इसको डोनेट कर देते हैं क्योंकि वहां पर आके हमें मतलब पैसों की वो नहीं होती है, मतलब हम अलग चीजों में अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो 6 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड है वो हम रिसीव करेंगे ही। उसके अलावा आपको 50 लाख रुपए की एक चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार मिलती है, और आपको एक ड्राइवर्स की सैलरी भी मिलती है 50,000 रुपीज़ कंपनी कहती है वो हम पे करेंगे, और एक असिस्टेंट की सैलरी मिलती है आपको कंपनी कहती है आप असिस्टेंट रखिए मेल फीमेल जो भी आपकी मर्जी हो वो हम पे करेंगे। उसके अलावा टीम बिल्डिंग के लिए आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है 6 लाख रुपये का, और 1.5 लाख रुपीज़ आपको ऑफिस के लिए भी पे किया जाता है कि आप एक ऑफिस मेंटेन कीजिए उसका भी हम आपको रेंट देंगे। उसके अलावा आपको 4 टिकट मिलती हैं 10 रात 11 दिन। तो अमेजिंग अमेजिंग, इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता है ना, और अपने आप में ये अल्टीमेट रिवॉर्ड्स हैं। तो जो मास्टरशिप बोनस है सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोन ब्रोज मास्टर, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप वो कर सकते हैं हर 15 डेज में। जैसे ही आपने करा पहले 15 डेज में तो वो आपने अचीव कर लिया, लेकिन जो स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर होता है वो आपको 3 टाइम रिपीट करना होता है आगे के मास्टरशिप लेवल पे जाने के लिए। लेकिन लोगों ने प्रूव कर दिया है, लोगों ने उसे अचीव कर लिया है, और आप ऐसे लोगों से मिल भी चुके हैं। तो क्या ड्रीम होते हैं हमारे, वही रुपया, लग्जरी कार, सपनों का घर, मान सम्मान, विदेश यात्रा, अच्छी हेल्थ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स केयर हो गया, चैरिटी हो गया, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ तक आते आते पूरा हो ही जाएगा। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, बहुत ही अवार्ड रिवॉर्ड। आप सर्च करेंगे एटमी के प्रोडक्ट्स को तो आप देखेंगे कि जो भी स्किन की उसमें बड़े बड़े जो भी अवार्ड होते हैं वो सब हमारी कंपनीज को मिल चुके हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो हमेशा इसकी रेटिंग 5 out of 5 आपको देखने के लिए मिलेगी, 4 out of 5 out of 4.6 देखने के लिए मिलेगी, कहीं पे भी आपको 4.5 से नीचे नहीं मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हेयर के प्रोडक्ट आप देख चुके हैं किस तरह का रिजल्ट है, स्किन के प्रोडक्ट आप देख चुके हैं। सक्सेस सेमिनार ये ऑर्गेनाइज करते हैं, सक्सेस अकेडमी के साथ जुड़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। नेटवर्क मार्केटिंग 2 ही चीज़ों का खेल है, एक एजुकेशन और एक टीम बिल्डिंग। अगर किसी ने इन 2 चीज़ों को सीख लिया और हर दिन सीखा, हर समय सीखा, हर पल सीखा, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा सबमिशन और टीम के साथ सबमिसिव होके काम करना सीख लिया अपलाइन के साथ, तो कोई ताकत नहीं है जो कि आपको ये सब चीज़ें अचीव करने से रोक नहीं है। तो यहाँ पर मैं डन करती हूँ और बैक टू माई होस्ट रेणु जी। रेणु जी फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रही है, तो रेणु जी बैक टू यू। ग्रेट मैडम, बहुत ही अच्छा प्लान आपका था, और थैंक यू सो मच। पहले जो थोड़े बातें बताई है ना, जो हमारे खर्चे के लिए, जो घर में हम कितना खर्चा होता है और उसकी कितनी भी इनकम, चाहे 4 लोग भी कमाएं तो भी खर्च हम पूरा नहीं कर पाते, ये बात सभी लोगों के लिए है।
और आपने जो बहुत छोटी छोटी बातें जो सभी के लिए बताई हैं, मैं समझती हूँ आज जितनी सरलता से आपने ये प्लान समझाया है ना, कोई न्यू पर्सन भी आया होगा मीटिंग में तो उसे इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वो इस प्लान को कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच। जो आपने पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं कि हमारी इनकम इतनी इतनी ये जो हो जाती है, तो सभी के लिए मैं कहती हूँ कि जो भी पूनम मैम ने बताया है समझाया है कि सब इस अटोमी बिजनेस में जिन लोगों के पास कोई वर्क नहीं है या जो कोई वर्क करते हैं और अपना एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, और खासतौर से मैं कहना चाहूंगी लेडीज के लिए जो घर में रहती है और कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने आप के कुछ कर दिखाने का। तो लेडीज आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए, क्योंकि जेंट्स को तो मैम सभी कहते हैं कि भाई उनका तो काम ही है, वो बाहर जाएंगे काम करेंगे और लेडीज घर संभालेगी, तो ऐसा अब कुछ नहीं है। अब लेडीज ये ना समझे कि हमें केवल घर ही संभालना है, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो इस मैम आपका प्लान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ग्रेट था, और अब मैं आगे की होस्टिंग अरुण मीना सर को देना चाहूंगी। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको बहुत अच्छा आपने होस्टिंग किया, वेनु मैम आपको पहली बार कर रहे हैं और आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार कर रहे हैं। और पूनम जी ऑलरेडी मतलब सबको पता है, वो शानदार इंफॉर्मेशन देती हैं, एक एक पॉइंट को बताते हैं, तो थैंक यू पूनम मैम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर सबसे पहले नए लोगों के पास इस मीटिंग में जितने भी नए लोग हैं जिनको किसी ने भी इनवाइट किया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कोई सवाल हो तो हम सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे। तो जिनके भी नए गेस्ट हों तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपका कोई सवाल हो या आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपना इंट्रो देना चाहते हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं आप कोई भी। अवधेश जी, थैंक यू मीना सर, थैंक यू पूनम मैम। आपने वाकई में जैसे रेनू मैम ने कहा, सबको नमस्कार। एक बार मैं उदय सिंह प्रयागराज से, जैसा कि रेनू मैम ने कहा, आपने बहुत ही सहज और सरल भाषा में प्लान दिया। जो न्यू पर्सन भी आए होंगे, डेफिनेटली शुरू से रहे होंगे तो बहुत अच्छा उनको समझ में आया होगा। और मैं आपको कुछ चंद लाइनें अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ हम सबके चहेते लीडर मिस्टर चौहान, भीष्म चौहान सर के साथ आप बहुत बेहतर कर रही हैं। तो ये लाइनें हम आपको अर्पित करना चाहते हैं, जो हिम्मत के स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर कभी कोरे नहीं होते, कभी कोरे नहीं होते। और मेरे साथ आज एक लीडर रीवा से हैं, मिस्टर शैलेंद्र मिश्रा जी। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शैलेंद्र मिश्रा सर को थोड़ा सा बिल्कुल सर किया जाए। बिल्कुल सर, मैं ऑलरेडी ऑप्शन दे चुका हूँ शैलेंद्र मिश्रा जी को। वेलकम है सर, शैलेंद्र मिश्रा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर पार्टिसिपेंट से हटकर स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा। शैलेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो, शैलेंद्र जी मैं एक और बार आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन दिया है सर शैलेंद्र मिश्रा जी। अवधेश जी उनको बताइए, वैसे अनम्यूट कर लेते हैं सर, फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ सर, नहीं सर मीटिंग अटेंड करते हैं बट okay. हो सकता है मे बी बिजी हो, मे बी हो सकता है कॉल पे हो या कुछ, तो हम दोबारा ले लेंगे अवधेश जी उनको, फिर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सर अवधेश जी, थैंक यू सो मच अवधेश जी आपके वर्ड्स के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट जिनके भी कोई भी गेस्ट हैं, सबसे पहले उनको आप इनवाइट करें, उनको इंट्रो देने के लिए बोले, उनका परिचय दें, ताकि उनको भी एक अच्छा लगे कि वो यहाँ पे बोल पाए। तो जिनके भी नए गेस्ट हों तो प्लीज, कोई सवाल मुझे वैसे लगता नहीं है कि होगा, फिर भी हम लास्ट
सरोजा सर, सरोजा सर अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर, सरोजा सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पूनम मैम? यस सर आपकी आ रही है। सरोजा सर का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है। ठीक, संतोष जी, संतोष तिवारी जी अनम्यूट कर सकते हैं सर? संतोष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर मैंने। अनम्यूट, मेरी आवाज आ रही है सर? ये सर आ रही है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर सेशन रहा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम सभी को मिला। और सर हमको तो कभी कभी ये सीखने को मिलता है कि जब हम लोग प्लान देते हैं तो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक हो जाता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है जो हमारी लेडीज भी प्लान देती है तो बहुत ही शार्पली और इफेक्टिव वे में 20 से 25 मिनट 30 मिनट के अंदर उन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो ये बड़ी बात है और मेरे ख्याल से जितने कम शब्दों में हम और बेहतरीन शब्दों का यूज करके उन्होंने प्लान दिया, अगर हम सभी इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करके कोशिश करें 15 से 20 मिनट लाने की, तो ज्यादा बेहतर हम रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है कि कम समय में हम अपनी सारी बातों को सबके सामने इफेक्टिव वे में रख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा प्लान आपने दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। हम चलते हैं सचिता जी के पास, चौरसिया जी के पास, एसपी चौरसिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम एसपी चौरसिया, आर्मी बैकग्राउंड और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बहुत ही पेशेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले मैं तो चाहूँगा कि पूनम चौहान जी के लिए जोरदार क्लैपिंग किया जाए डिजिटल। और बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच एसपी चौरसिया। बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने प्लान बनाया, मैंने काफी बनाया हूँ। और इन्होंने जो जीएस का जो चर्चा करने के लिए बोला बहुत अच्छा लगा, ODM और OEM के विषय में बताई बहुत बढ़िया लगा। और एक मेरा क्वेश्चन छोटा सा है कि दीदी ने जो लास्ट में बताई थी कि जो रॉयल मास्टर, ग्राउंड मास्टर और इंपीरियल के लिए क्या 3 बार हमको मेंटेन करना होता है, बाकी तो बोल रही थी कि 2-2 बार, लेकिन इधर जो लास्ट में जो लाल वाला जो स्लाइड दिखाया गया उसमें बोल रही थी दीदी कि 3 बार करना, एक क्लियर नहीं हुआ था सर प्लीज। बिल्कुल सर, आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चौरसिया जी, हम जिसको कहते हैं शेरोन रोज मास्टर तक 1 बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, उससे ऊपर जितने भी लेवल हैं हमको 3 बार, मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर मेरे को स्टार मास्टर बनना है या आपको स्टार मास्टर बनना है तो आपको 3 बार नीचे अपने शेरोन रोज मास्टर बनवाने पड़ेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी 3 बार हो जाएगा तो वो क्वालिफाई माना जाएगा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, दोबारा से एक बार देख लेते हैं हमारे शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप अनम्यूट कर सकें तो। और हो जाएगा नोटिंग जो करके खाएंगे शैलेंद्र जी, और तिलोक जी का भी, त्रिलोक सिंह जी आई थिंक आपका वो था, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। राइट, तो सबसे पहले तो फिर से मैं पूनम मैम को थैंक यू कहता हूँ, बहुत शानदार उन्होंने इंफॉर्मेशन और प्लान के साथ में प्रोडक्ट भी बता दिया, विजन भी बता दिया, क्लियरिटी कर दी क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीजें उन्होंने की, ये भी जो होते हैं छोटा छोटा उन्होंने बताया, तो थैंक यू मैम। और बाकी हम अब जितने भी लोग हैं एक नई जानकारी फिर से दे रहे हैं, आज से ही मान लीजिए, अभी से मान लीजिए, कोई भी सेल्स मास्टर बन सकता है, कोई भी सेल्स मास्टर बन सकता है अगर वो इस 15 दिन का इस्तेमाल करे तो। प्लानिंग है बहुत छोटी सी,
अगर उसको इस 15 दिन में कर लिया जाए तो अपने अपलाइन के साथ पूछें कि कैसे क्या क्या हमको करना पड़ सकता है और कितने लोगों की परचेजिंग 1.5 लाख पीवी की होगी। ओके, तो ये अगर आप कर लेंगे तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था 1-1 लाख पीवी की परचेजिंग हो रही थी, सेम कंसेप्ट है। अब एक चीज आप अच्छी कह सकते हैं, अपने पसंद के प्रोडक्ट, वैरायटी प्रोडक्ट आप 1.5 लाख पीवी का एक पैकेज की तरह उनको बता सकते हैं कि इसके साथ में फेम भी जोड़ दीजिएगा कि टोटल इतना अमाउंट है और इतने कम पैसे में ये मिल रहा है, ये 9,000 रुपये कम में मिल रहा है या 8,000 रुपये कम में मिल रहा है, कुछ भी अपने हिसाब से एक प्लानिंग बनाएं। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया, परचेजिंग शुरू भी हो गई है 1.5 लाख पीवी की वन टाइम में भी, और ये तो हमको पार्ट में भी करा सकते हैं। हम दो पार्ट में, तीन पार्ट में भी 1.5 लाख पीवी करते हैं तो हमको फेम फ्री मिलने वाला है। तो आई थिंक सबको ये पता है, फिर भी जिनको नहीं पता है हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। आप बहुत आसानी से मैचिंग ले सकते हैं, बहुत आसानी से, दो लोगों को जिसको कहते हैं लेफ्ट में और दो लोगों को राइट में जिसको कहते हैं। हम अगर ये 1.5 लाख पीवी वाला जो है पैकेज की तरह एक अच्छा पैकेज बना दें जिसमें कम से कम पैसे हों और बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट हो, तो ईजिली उनकी इनकम आ सकती है। तो मुझे लगता है और किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज। रूपा जी जहानाबाद, रूपा कुमारी जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। रूपा जी मैं फिर से एक बार ऑप्शन देता हूं आपको, अगर आप अनम्यूट कर पाए तो। रूपा कुमारी जी नेक्स्ट। त्रिलोकचंद जी, त्रिलोकचंद सर अनम्यूट कीजिए सर, आप दोनों के पास ऑप्शन है। सर मैं त्रिलोकचंद बोल रहा हूँ। जी सर बोले। हेलो। हाँ जी सर बोले। सर मेरा सीनियर सौरभ है जी। हेलो। जी जी बोले सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सर मैं पूछना ज्वाइन करूंगा तो मैं इसका प्रोडक्ट का बारे में बताता हूँ तो आदमी बोलते हैं इसका प्राइस ज्यादा है। सर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। सर छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत छोटा सा। सर आलू कितने कितने रेट, आलू जो है कितने कितने रुपए किलो बिकते हैं सर? 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपये भी बिकता है सर आलू? क्यों ये? क्यों बिकता है सर? अरे वो इधर हमारा वो हिमाचल का आलू है ना, इसके लिए ज्यादा रेट। सर अल्टीमेटली हिमाचल का आलू नहीं है सर, उसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला आलू खराब है, आलू तो ये भी वही है, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे कि उसको, और ऑर्गेनिक आलू उससे भी महंगा बिकता है। क्यों? तो जिस दिन आप ये समझाना सीख जाएंगे तो कोई भी नहीं सर। वैल्यू को बेचो सर, उसमें क्या चीज है। तो मुझे लगता है आप वही वाली बात है, पेस्ट ले लो तो कॉमन सी बात है, आपने पेस्ट बोला तो वो ऑलरेडी 50 रुपए का पेस्ट ले रहा है, आप 150 का बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक सी बात है वो बोले महंगा। आप पेस्ट के बारे में बताओगे, रेट नहीं बताओगे तो फिर वो बोलेगा कितने का है। पहले जानकारी ले लीजिए सर। किन की टीम से थे सर आप? आवाज आपकी थोड़ी कट रही थी। आपके अपलाइन कौन से? सरोज मलिक। सरोज मलिक। अरे सर सबसे ज्यादा पेस्ट बेचने, सर सबसे ज्यादा पेस्ट बेचने वाले इंसान है सर, हो गया सर सबसे ज्यादा। क्या आपको पता है ये? पता तो है। सीखे फिर, सीखे ना सर उनसे, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं सर? आप सरोजा सर से बात कीजिए। बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर,
सरोजा सर से ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो नेक्स्ट रूपा जी, अगर मैं आपको अगेन करता हूं, नहीं तो फिर हम अब क्वेश्चन या कुछ नहीं लेंगे, फिर हम सबको बुलाएंगे अपने लीडर्स को। रूपा जी। यस, गुड इवनिंग जी मैम। गुड इवनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा पूनम मैम का स्पीच। तो थोड़ा सा खुल के बोलिए मैम, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी सर। जी जी, नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं, ऐसी बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आवाज हमें सबको क्लियर आए। जी जी सर, मैं भी मतलब बिजनेस में जुड़ना चाहती हूँ सर, लेकिन मुझे बस 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं जी आज मैं पुणे मैम की स्पीच सुनी तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन हुआ, और अंदर से कुछ करने की मतलब है इच्छा जागी, राइट? जी जी, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच रूपा जी। किसने इनवाइट कराया आपको? जी संतोष कुमार जी ने इनवाइट किया है हमें, संतोष कुमार जहानाबाद। ओके, आप उनसे मिल लीजिएगा मैम, उनको उनसे बात कर लीजिएगा, तो आप उनके साथ ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे रोज 8 बजे ऑलरेडी हम लोग सब लोग मीटिंग इसी तरह से होती है, एक एक चीज सिखाई जाएगी आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यस सर, कुछ और बोलना चाहते हैं मैम? नो सर, थैंक यू। थैंक यू, आपका स्वागत। तो चलिए अब हम अपने लीडर्स की तरफ चलते हैं, अपने हमारे लीडर्स जो भी बात करना चाहते हैं आ जाएं, कृपया करके 10 मिनट है हमारे पास। जी हमारे आज के दूसरे वाले उन कनेक्ट नहीं है, अपना कनेक्ट करें कृपया करके। भीष्म चौहान जी। सर भीष्म जी आज थोड़ा ओके पर है, क्योंकि थोड़ा अनइजी फील कर रहे हैं वो, आज पूरा दिन ट्रैवल कर रहा है तो हां। कोई नहीं, अनिल मेनी के कनेक्ट तो है नीचे और उनका माइक कनेक्ट नहीं है, तो रेनू जी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो हेलो सर, मैं कहना चाहूंगी जैसे ये त्रिलोकन जी थे, जो भी पर्सन थे उन्होंने बताया ना ये कि हम इनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और सब लोग कहते हैं कि महंगे हैं, कॉस्टली हैं जी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी सर आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए कि उसमें क्या क्वालिटी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने एक पर्सन को पेस्ट दिया, उन्होंने मैंने कहा आप सर यूज कीजिए फिर आप मुझे बताइए, उन्होंने यूज किया और फिर उन्होंने नेक्स्ट मुझे ऑर्डर दिया उसी पेस्ट का, तो मैंने कहा सर आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये पेस्ट, तो वो कहने लगे कि नहीं कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल पेस्ट है। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर ये नॉर्मल पेस्ट है और आप फिर दोबारा से यही ऑर्डर मंगा रहे हैं, तो कुछ तो आपको फायदा हुआ होगा तभी तो आप मंगा रहे हैं, तो फिर भी वो माने नहीं। तो मैंने कहा सर फिर आप पेस्ट ना ये लीजिए मत, अगर आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो आपको लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम देखिए मैं बहुत पेस्ट यूज कर चुका हूँ पर मेरे दांतों में से जब मैं ब्रश करता था तो ब्लड आता था, और आपके इस एक पेस्ट से मेरे दांतों से वो ब्लड आना बंद हो गया, तो इसीलिए मैं अब इसी पेस्ट को यूज करना चाहता हूँ। तो फिर सर मैं आप सभी पर्सन के लिए कहना चाहूंगी, केवल उन एक पर्सन के लिए नहीं, कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, अगर कोई कहता है कि ये महंगा है तो उसे बता दीजिए कि सर ये महंगा क्यों है, कि इसकी बात क्या है कि आप 100 प्रोडक्ट रख लीजिए और फिर इस एक प्रोडक्ट को रखिए, फिर आप इसमें डिफरेंट देखिए कि क्या क्वालिटी है इसकी। तो थैंक यू सर, बस मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू रेनू जी, और सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं होगी उस चीज की, जो चीज हमारे पास है आप सबको पता है वो चमत्कारिक है, तो या तो आपने खुद यूज नहीं करी है या आप बिल्कुल बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उसके बारे में। मतलब जिसने भी आपको वो दिया है स्पॉन्सरशिप, जिनके भी थ्रू आप जुड़े हैं, आपने उनके साथ बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, इसलिए ये बातें आप कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई भी नहीं है।
जो हमारे प्रोडक्ट को महंगा कहते। तो अब हम अच्छा हमारे यस सर अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ग्रेट। मैंने ओके हैं आप? आई एम ओके नाउ, आई एम ओके, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ थैंक यू और बिल्कुल फिट हो जाइए जल्दी से। और अब हम हमारे डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं एक बार, और कुकरेजा जी को इसलिए नहीं बुलाएंगे उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सर थैंक यू, अरुण सर थैंक यू वेरी मच, और पूनम जी आप सबको पता ही है कि जब पूनम जी का प्लान होता है तो गिनती धड़ाधड़ ऊपर जाने लग जाती है। आज भी 90 अप्रोक्सीमेटली लोग हो गए। तो देखिए एक स्पीकर जिसको लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूनम जी बहुत जल्दी क्लास ऑर्गेनाइज करने वाली हैं, तो आप लोग अपना अपना नाम दे दें जिसको जिसको सीखना है, और जल्दी से जल्दी आप बस उनको कॉपी करते जाएं। और मैं समझता हूँ एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे अपलाइन को सिर्फ आप कॉपी भी कर लेना, चाहे उसके बोलने का अंदाज कॉपी कर लें, चाहे आप उसके नॉलेज को कॉपी कर लें, चाहे आप बिजनेस प्लान देने को कॉपी कर लें, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो आप आसानी से वो कर सकते हैं जो आपका अप्लाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को कॉपी करते हैं, चाहे वो डेमो को कॉपी कर रहे हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बिजनेस प्लान को कॉपी कर रहे हैं, उनके बोलने के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को कॉपी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कैसे किया जाता है उसको आप कॉपी कर रहे हैं, तो जब आप एक ट्रेनिंग में आएंगे तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप इजीली क्या वो कर सकते हैं जो आपका अपलाइन जो आपको सिखा रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स जो हमारे मीटिंग्स में आते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप रेगुलर मीटिंग्स में आए तो जरूर किसी ना किसी स्पीकर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और जिससे फ्रीक्वेंसी मैच करे समझ लेना कि वो कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर वो ग्रोथ कर रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो डेफिनेटली आप भी ग्रोथ करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं या बड़े बिजनेस की बात करते हैं, तो बड़े बिजनेस में हो डायरेक्ट सेलिंग में हो, जो सक्सेस लोग होते हैं हमें सिर्फ उसकी तरफ देखना होता है, जो अनसक्सेस लोग होते हैं जिनको काम करना नहीं आता या जो हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, जो टांग खिंचाई में रहते हैं, आप अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे कौन क्या कह रहा है ये ध्यान देंगे, तो आप कभी भी इस बिजनेस को नहीं कर सकते कि करोड़ों का बिजनेस है। और जब आप करोड़ों का बिजनेस करने की बात करते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव लोगों की संगत करके आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। आप हमेशा ये देखिए कि कौन कौन से स्पीकर से क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल सकती है, उन सारी अच्छी चीजों को अपने में कलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। बस इतना सा नकल करने में अगर आप सक्सेस हो गए तो इस बिजनेस में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां शायद आपके खानदान में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये पर्टिकुलर बच्चा, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर फीमेल इतने ऊंचाइयों को छू लेगी। लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, आपसे मिलने के लिए, आपसे सीखने के लिए, लेकिन आपने कहां से सीखा? आपने अपने अपलाइन से सीखा। तो मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग ले सकते हैं आप ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एक ही काम है कि जो आपने सीखा अपने नीचे वाले को आप ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसे बिजनेस होता है। बिजनेस बहुत आसान है, जो सीखा वो सिखाना है, इससे ज्यादा इजी बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कोई पैसा नहीं लगाना आपको, आपने अपनी जरूरत का सामान जो लेना है वो लें, नहीं लेना वो ना लें, एक बार आईडी एक्टिव कर दें और फिर देखिए आप अपनी जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप स्पीड बनाएं, जितना पैसा कमा सकते हैं आप पैसा कमाएं। ऑफर्स का अगर मैं बोलूं, जब भी ऑफर्स आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा उन ऑफर्स को आप जरूर लें, क्योंकि जो भी पर्सन ऑफर्स के थ्रू जाएगा उसका डेवलपमेंट होगा, उसके डाउनलाइन का डेवलपमेंट होगा। जो भी पर्सन ऑफर से नहीं जाएगा आप देखिएगा कि उसकी मैचिंग भी बहुत बाद में होगी, वो बहुत स्लो ग्रोथ करेगा, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाए डाउनलाइन होके, और वो आपकी अपलाइन होके आपसे 4 साल के बाद उस पोजीशन में पहुंचे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ,
जो अपलाइन ने डिजाइन किया, जो कंपनी ने डिजाइन किया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो बेटर ऑप्शन है कि आप कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, कंपनी के ऑफर्स को फॉलो करें, अपने अप्लाइंस को फॉलो करें, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका कब डेवलपमेंट हो जाएगा, रातों रात आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू अरुण सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। और अब हम लास्ट नोट पूनम मैम को देते हैं और उसके बाद इस मीटिंग को एंड करेंगे। पूनम मैम। थैंक यू सो मच अरुण मीना सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। और सर मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर एस कुमार से, अभी जो ऑफर है, क्योंकि अभी अगर हम लास्ट ऑफर को देखें तो जब वो ऑफर निकल गया तब बहुत सारे लोग जगे, क्योंकि हमेशा सबको लगता है कि भाई आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन मैं आपको आज का सिनेरियो बता दूं, जो मोमेंटम टीम में चला हुआ है, जो लीडर्स हैं, आज उन्होंने डे वन से ही, बल्कि कल से ही इस ऑफर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए जर्नली क्या होता है कि अगर मैं शॉपिंग की बात करूं, अगर मैं जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे सबको पता है हमारे डे टू डे यूज के प्रोडक्ट हैं एटोमी में बहुत सारे, हेयर शैम्पू हो गया, बॉडी शैम्पू हो गया, बॉडी लोशन हो गया, पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया। जैसे अरुण मीना सर ने भी कहा कि अभी तक तो ये था कि आप फेम खरीदिए और उस पे आपको 1,00,000 पीवी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने चॉइस की बास्केट बना सकते हैं, चाहे वो हेयर केयर रेंज में, चाहे आप पर्सनल केयर रेंज में, चाहे या फिर आप डिटर्जेंट ले सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बास्केट बनाइए। लेकिन जब हम जर्नली शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल में, किसी ग्रोसरी शॉप में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 5% 10% की शॉप सेल देख के, या फिर 2,000 के सामान के साथ आपको 2 किलो चीनी फ्री मिल रही है, इस तरह की शॉपिंग, जिसमें कि कई बार बहुत सारी अननेसेसरी शॉपिंग होती है हमारी। और उस शॉपिंग में और इस शॉपिंग में क्या फर्क है, मैं आपको क्लियर कर दूं आज कि उस शॉपिंग में और इस शॉपिंग में ये फर्क है कि वहां से आप जो भी सामान ला रहे हैं, चाहे वो आप कितनी भी बेस्ट क्वालिटी का ला रहे हैं, उस सामान को आप किसी को आगे सेल नहीं कर सकते। आप लाइए वहां से 1 किलो राजमा और आप लोगों को बोलिए कि भाई मैं ये राजमा लाई हूँ, आप ले लीजिए, और मेरे को तो इसके साथ का जो ऑफर है वो मिल गया, या फिर आप उस ऑफर को बेचना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे कि आपका दिमाग खराब है, हम आपसे क्यों लेंगे, ये तो हम वहीं से जाके ले लेंगे जहां पर ये ऑफर चल रहा है। लेकिन ये जो इतने अल्टीमेट ऑफर है, यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आपके पास राइट है उस ऑफर को अचीव करने का और अपने और डिस्ट्रीब्यूटर को दिलाने का। और सच बता रही हूँ कि जो भी आप 1,50,000 के प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट जब आपके घर में आएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेंगे, जिसमें आप मास्टर हो ना, आप वही प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप हेयर केयर बहुत अच्छा रिटेल करते हो तो आप हेयर केयर लीजिए। जैसे रेनू पासी जी से आपने सुना ना पेस्ट के बारे में, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, आप बहुत जल्दी उनको उनका प्लान भी देखेंगे। और आप उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए जिसमें आपकी मास्टरी हो, जिसको आप इजीली रिटेल कर सकते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो फेम का ऑफर था 1,00,000 पीवी का, उससे ज्यादा बेस्ट ऑफर आपका ये वाला है। और कंपनी हमेशा बोलती है कि हम नए से नया ऑफर और पहले से ज्यादा बढ़िया ऑफर लाएंगे। पहले आपने देखा था फेम में हमें 20,000 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहे थे, फिर अभी 40,000 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और अब 1,50,000 पीवी पे वो फेम ही दे रहे हैं। यानी कि 20 से 24 लाख की परचेजिंग करने पे आपको 8,000 का बेनिफिट हो रहा है। 8,000, जब कई बार लोग काम करते हैं ना, उनकी सैलरी नहीं होती 8,000 रुपए, 5,000 रुपए में भी लोग काम करते हैं, अगर मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं तो 8,000 की जॉब भी करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए आपको कितना हो रहा है, आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन प्रोडक्ट को राइट है आपको आगे लोगों को देने का, लोगों को पहुंचाने का, जो कि आप जनरली अपनी शॉपिंग में नहीं कर सकते। तो बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं, प्लानिंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, नॉलेज लेने की जरूरत है। मतलब हर दिन अगर आप एक प्रोडक्ट की भी नॉलेज लेंगे ना, तो आप समझिए कि 2 महीने में आप मास्टर हो जाएंगे हर प्रोडक्ट की। और लर्निंग इज अर्निंग, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, सीखने का, सिखाने का और करने का बिजनेस है। तो जितना आप इस साइकिल को घुमाएंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच, यही बोलना पड़ेगा। थैंक यू पूनम मैम। और करना तो पड़ेगा दोस्तों, वही एक बात, जब तक आप प्लान बना लीजिए डेली का। हमने जो एक मीटिंग अटेंड करी, बिल्कुल ऐसी चीज सिखाई गई हम लोगों को, मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोगों ने सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक वो सीखा। जब तक आप, सबको पता है एक्चुअली, हर एक चीज पता है, मुझे भी वो पता थी बट मैं वो करता नहीं था, कि सुबह क्या करना है, आज रात को डिसाइड करना है।
और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपको पहले करना है, मतलब किसको कॉल पहले करनी है या किससे पहले बात करनी है या किसके पास पहले जाना है, वो आप सारी चीजें डिसाइड कर ले। दो से मिलेंगे, चार से मिलेंगे या पांच से मिलेंगे, वो सारी चीजें डिसाइड कर लीजिए, बस इतना ही। बाकी डेली हम लोग आपको यहाँ पे अपडेट करते हैं हर एक चीज को, और बहुत शानदार बिजनेस है दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी को भी 1% भी शक नहीं होगा, इतना हम सब जान गए हैं इस 7 महीने में। तो लग जाइए, आपका बिजनेस है, आपकी इनकम आपके ही हाथों में है, कितनी लेनी है। तो बस थैंक यू आज के लिए, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों।